सामने से किसी के पैरों की आहट आ रही थी। ध्यान से देखा तो वो छोटे बाबा थे जो मुझे अपने साथ ले जाने आए थे। मैं नहाकर आया तो देखा कि मेरे कमरे में एक नया शख्स था। वो कोई मोहतरमा थी। मैं उनके करीब गया, उनसे पूछा कि आप कौन और आपको यहाँ लाया कौन। तो उन्होंने अपना प्यारा सा नाम बताया, लीमा। सॉरी, मैं आपका वेलकम करना भूल गया। सॉरी, एक्चुअली वो बैचलर हो ना, तो घर संभालना नहीं आता। तो ले आओ जो संभाल ले। मैंने सोचा ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, पहले नाम तो जान लो, घर भी संभालना किसने रोका है। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। वाह, बहुत जल्दी मन की बात जान ली, इंटरेस्टिंग। हाय, आई एम जॉर्ज ब्रूश। हा हा हा, वेरी फनी। एंड आई एम एलिजाबेथ। नो, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस, ट्रस्ट मी। ओके मिस्टर सीरियस, अगर सीरियस हो तो क्यों बोला कि जॉर्ज नाम है तुम्हारा। ये बहुत चालाक है, मेरी टांग खींच रही है। सीधे फ्लर्ट, नॉट बैड। यार ऐसा नहीं है, बाय द वे तुम्हारा नाम और तुम दोनों काफी स्वीट। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड यू टू, दैट आई एम जस्ट जोकिंग। थैंक्स, वैसे आज तक किसी ने मेरे नाम को पसंद नहीं किया, आपको दोनों पसंद आए। ज्यादा खुश मत हो, आई एम जोकिंग। वेरी फनी, ज्यादा हंसी आ रही है, हंस लो हंस लो। आपने मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ बोलो। आई लव यू। आई नो गधे, इतना टाइम लगता है बोलने में, चल अब मुंह मीठा करा। कैसे? ऐसे। हम दोनों गले लगे हुए थे, तभी वो लीमा को ले जाने लगे। उन्होंने लीमा को ऐसे खींचा कि वो मेरे हाथ से छूट गई और मैं भी अपने घर से बाहर निकल आया। मेरी आंखों के सामने मेरी पहली मोहब्बत मुझसे दूर जा रही थी और मैं आसमान को देखकर अपने उन पलों को याद कर रहा था जो मैंने उसके साथ बिताए थे। ये इश्क है, इसको ना वो हासिल कर पाए जिन्होंने इसको सबसे पहले महसूस किया, ना वो जिनके पास दिल था। हम तो फिर भी बिना दिल वाले थे, ये इश्क हमें कहाँ से नसीब होता।